मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अभी बस थोड़ी देर में ना रिवाइज मार रही हूँ, और रिवाइज मारने के बाद फटाफट हम स्कूल के निकलेंगे। सोकर उठ चुकी हूँ और अभी मैं रेडी वेडी होके जा रही हूँ मेरी बर्थडे की ड्रेस लेने। एंड मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ, मम्मा ने देख रखी है पहले से ही कि वो कैसी लगती है और मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही है कि वो कैसी दिखेगी। तो आज हम जा रहे हैं ड्रेस लेने और आज मैं नहीं बोलूंगी कि हम देखते हैं। गाइस मुझे कमेंट में बताना कि मेरी ये इयररिंग्स कैसी लग रही है। और बात, जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करेगा मैं उसके नाम लूंगी कोई से भी दो लोग। अभी हम आ चुके हैं जॉली आर्केड और अब हम वो शॉप ढूंढ रहे हैं कि मम्मा ने कहा थे कि मम्मा भी भूल गए वो शॉप कहाँ थी। एंड देखते हैं। हम इस वाली शॉप में आए, मुझे ये ड्रेस टाइट पड़ रही थी, ये कुछ ज्यादा सेक्सी लग रही थी और ये तो बहुत ही बड़ी पड़ रही थी। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि कुछ भी मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा था और इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए अब हम दूसरी शॉप में जा रहे हैं। अब देखते हैं वहां से अगर कुछ पसंद आ जाए तो। फिर नई शॉप दिख गई तो इसलिए नानी की ड्रेस देख रहे थे। अब हम जा रहे हैं जॉली गर्ल्स वाली शॉप में और नाम वही है कि इधर से नहीं चलेगी। ये वाली ड्रेस अच्छी तो थी पर मुझे अच्छी नहीं लगी और ये दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा था और ये वाली व्हाइट स्कर्ट भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर ये बर्थडे के लिए बहुत हैवी हो जाता और लॉन्ग वाली तो बहुत ज्यादा ही हैवी हो जाती। फिर भैया यहाँ मुझे बता रहे थे और फाइनली मुझे एक ड्रेस पसंद आई स्कर्ट टॉप व्हाइट कलर की। फाइनली मुझे अपनी बर्थडे के लिए एक ड्रेस पसंद आ गई है और मैंने ले ली है। मैं आपको घर जाके पहन के बताऊंगी। एंड फिर हम पर्स वाली शॉप में गए जो हमने पहले देखी थी और व्हाइट कलर का पर्स लिया मैंने मेरी ड्रेस के हिसाब से। अब हम जा रहे हैं गंगोर क्योंकि पास ही में था और बहुत भूख लग रही थी, खाना जरूरी है और मेरे को तो ये व्लॉग एडिट करते करते ही मुंह में पानी आ गया। फिर वही है ना, हमारे रिलेटिव्स मिल गए तो मम्मा और नानी बात कर रहे थे और मैं ठूसे जा रही थी, मुझे कहां कोई फर्क पड़ने वाला है, अपने तो खाने से मतलब है। अब हम जा रहे हैं स्टारबक्स, इतना ठूसने के बाद कुछ मीठा हो जाए। और हम इतनी आवाज आ रही है क्योंकि है ना वहाँ सामने शादी हो रही है, मैं बताती हूँ। हम आ चुके हैं स्टारबक्स और मैं आज कोल्ड कॉफी पीऊंगी। अरे मुझे मेरी सीट नहीं मिल रही, अरे मिल गई मुझे, अब मैं बैठ जाती हूँ। तो गाइस हम स्टारबक्स में बैठे हैं और हमारी कॉफी बन के आ रही है और मैंने बस कैमरा अपने मुंह में नहीं घुसाया है। कॉफी बहुत अच्छी बनी है गाइस, हमारी कॉफी बहुत टेस्टी बनी है। ऐसा लगता है कि वो दूध की बॉटल पकड़ाते हैं और फिर है ना बाद में ऐसा करते हैं तो छूटती नहीं है, वैसी कॉफी बनी है हमारी। और ना कुछ नहीं। अरे वाह मेरी कॉफी कितनी टेस्टी बनी है। अरे वाह मम्मा की कॉफी भी बहुत टेस्टी है, क्या ये भी पी लूं मैं, पर मम्मा मुझे ना बोल रही थी। आज फाइनली अभी घर आ चुकी हूँ मैं और आज बहुत लेट हो गया, 11 बज चुके हैं और मम्मी आ रहे हैं। मम्मी बांध दो पीछे गेट। गाइस मैं घर में आ चुकी हूँ और अब बस मेरी एनर्जी हो चुकी है एकदम डाउन। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बर्थडे के लिए क्या आउटफिट लिया है, आउटफिट लिया है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय यू।